बीच बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से। आपको बता दें कि हिस्ट्री सीटर गौरव ने पुलिस के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है, पुलिस के डर से यह कदम उठाया। दरअसल पुलिस हिस्ट्री सीटर के घर दबिश देने पहुंची थी और डर के चलते गौरव ने फांसी लगा के जान दे दी। पुलिस ने हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बर्रा थाना क्षेत्र के फतेहपुर की यह पूरी घटना है। तो पुलिस के डर से एक कदम उठाया, हिस्ट्री शीटर के घर में दबिश देने पहुंची थी पुलिस और पुलिस के डर से गौरव ने फांसी लगा के जान दे दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है कानपुर से, फांसी लगाकर आत्महत्या की है हिस्ट्री शीटर ने। बर्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है कानपुर से, जहां पर दबिश देने के लिए पहुंची थी पुलिस हिस्ट्री शीटर ने, पुलिस की डर से ये कदम उठाया, फांसी लगाकर जान दे दी, आत्महत्या कर ली। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है कानपुर से। बर्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है, पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी और पुलिस की डर की वजह से हिस्ट्री शीटर ने ये कदम उठाया, फांसी लग जान दे दी। दबिश देने गई हुई थी पुलिस और पुलिस के खौफ से हिस्ट्री सीटर गौरव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है कानपुर से। बर्रा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बर्रा थाना इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पर दबिश देने के लिए पहुंची थी हिस्ट्री शीटर के घर और पुलिस के खौफ के चलते हिस्ट्री शीटर ने ये कदम उठाया, फांसी लगाकर जान दे दी, आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है।